जिला ऊना में नशा माफिया के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। एक नशा तस्कर ने पुलिस का नाका तोड़कर डीएसपी हेडक्वार्टर की गाड़ी को टक्कर मार दी। इस हादसे में डीएसपी का गनमैन जख्मी हुआ है, जिसका स्थानीय अस्पताल ऊना में उपचार करवाया जा रहा है। वहीं पुलिस ने उक्त नशा तस्कर को काबू कर उसके कब्जे से 10.16 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक ऊना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक कार सवार युवक नशे की खेप लेकर चंद्रलोक कॉलोनी की ओर से गुजरने वाला है, जिसके आधार पर पुलिस ने चंद्रलोक कॉलोनी के समीप नाका लगा लिया। पुलिस का नाका देख रामपुर की ओर से आ रहे व्यक्ति ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और नाका तोड़ते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर अंकित शर्मा की गाड़ी को टक्कर मारकर भगाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ दूरी पर पुलिस ने कार चालक को काबू कर लिया। हादसे में डीएसपी हेडक्वार्टर का गनमैन जख्मी हो गया। पुलिस ने जब कार चालक की तलाशी ली तो उसके पास से 10.16 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। चिट्टा मामले में एक अपराधी पकड़ा गया और सुनने में यह है कि उसने डीएसपी सर की गाड़ी भी हिट की और उनके गनमैन को भी उसने चोट आई है, क्या है पूरा मामला? इसमें मैं बताना चाहूँगा कि एक नवयुवक जिसका नाम सागरपुरी उर्फ बब्बा वार्ड नंबर 6 का रहने वाला है, उसको उसकी गाड़ी को जब पुलिस वालों द्वारा राउंड अप किया गया तो उसने भागने की कोशिश की और उसी दौर में उसने 3-4 गाड़ियों को हिट किया, लेकिन बाद में पुलिस वाले सफल हुए और उसे पकड़ा तो उसकी गाड़ी की तलाशी लेने पर उससे लगभग 10.16 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है, जिसमें एनडीपी सेक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज है और जो अभियुक्त है उससे पूछताछ जारी है। जो गनमैन को चोटें आई है वो कितनी आई है और कितना फ्रैक्चर है? इस मामले में मैं कहना चाहूँगा कि जब ये इसने भागने की कोशिश की उसी दौरान जो डीएसपी हेडक्वार्टर की गाड़ी वहीं से गुजर रही थी तो उसको हिट किया है, बाकी अभी जान जारी है और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के अनुसार ही ये पता लग पाएगा कि उसने कितनी गाड़ियां हिट की हैं।